नमस्ते अंकल जी। अंकल जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक इतना सारा सामान लेके जाते हो, इतना भारी सामान कैसे लेके जाते हो आप? कितनी उम्र आपकी? इसका आपकी उम्र कितनी है? कार्ड में देख लो। हैं? आधार कार्ड में देख लो। नहीं वैसे बताओ कितनी उम्र है? 40 किलो भाव। अच्छा तो ये क्या कबाड़ के लेके जा रहे हो कैसे? कबाड़ खरीदते हैं। कबाड़ खरीदते हो? आपके पैर से भी चला भी नहीं जा रहा, पैर में दर्द है क्या? पैर नहीं मुड़ता। अच्छा पैर नहीं मुड़ता आपका? अच्छा अच्छा अच्छा। कितने किलो सामान होगा आपके हिसाब से? हाँ 25 किलो ये होगा आपकी। 8 किलो वो है मतलब मोटा मोटा 33 किलो। पैर में क्या दिक्कत है अंकल जी? बच्चे पढ़ाई करते हैं? बच्चे गांव में रखा। पढ़ाई करो ना बच्चों को, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, पढ़ाना जरूर। ठीक है, मैं पढ़ रहा बच्चे। ये माता रानी ने तोहफा भेजा आपके लिए। पांच लड़की है मेरे पास। पांच लड़की है तो बड़े भाग्यशाली हो आप। एक लड़का। अरे वाह बड़े किस्मत वाले, पांच बेटियां हैं तो भगवान ने इतना इतनी कृपा करी आपके ऊपर। ये आपके लिए तोहफा है। भैया नमस्ते, ठीक हो? कैसे हो? बड़ा उदास होके जा रहे हो। काम नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। वो भी कि शनिवार से लॉकडाउन लगेगी। हाँ लॉकडाउन लगने की बात हो गई है। एक सामान कितने का होगा भैया? अगर सारा सामान लूँ तो मैं 1000 का 2000 का बताओ। 1000 रुपये का होगा सारा सामान? ज़्यादा का होगा। कितने अभी बिक्री भी नहीं हुई आपकी? हुई है। अच्छा ये कितने का है? एक ये सिंगल निकालना, ये वाली 30 रुपये। अच्छा और ये 30 रुपये का है? हाँ जी का। अच्छा 30 वाला निकालो। अच्छा ये कम माल तो सेम है ना? अच्छा एक तो ये दे दो, एक दे दो ये, और एक दे दो ये, और एक दे दो ये। ये चारों कितने के हो गए अंकल भैया जी? ये सब 10-10। 10-10 के कितने हो वैसे? हो गए टोटल 50। बस ये लो आपका इनाम। नहीं मेहनत वाली जब इतना का दाम है। नहीं नहीं मैं इनाम देता हूँ अंकल जी, मैं इनाम देता हूँ सबको। आप ये प्लीज़ पकड़ो, मना मत करो, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ये ऊपर वाले का शुक्र गुजार करते रहना, उदास मत होना। आज उदास दिखे मेरे को आप दूर से, ऊपर वाले का शुक्र गुजार करना। धन्यवाद भैया, बाकी आपने अच्छी बात बोली कि मेहनत करके। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।